एक मालिक है और मालिक अपने नौकर से कहता है कि तू हर रोज मुझे 1 लीटर दूध गर्म करके पिलाएगा, ये तेरी ड्यूटी है। तो नौकर रोज 1 लीटर दूध पिलाता था। कुछ दिन बाद नौकर जो है उस दूध में से 1.25 लीटर दूध खुद पी जाता था और बाकी दूध में पानी मिला के मालिक को पिलाता था। फिर कोई मालिक से शिकायत करता है कि साहब ये जो नौकर आपने रखा है ये दूध में गड़बड़ करता है। तो मालिक ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, और उसने नौकर की निगरानी के लिए एक और नौकर रखा। अब दो नौकर हो गए तो दोनों नौकरों ने 1.25 लीटर दूध खुद पीना शुरू किया और बाकी दूध में वो पानी मिला के मालिक को पिलाते। कुछ दिन बाद फिर मालिक को कुछ लोगों ने कहा कि आपके ये दो नौकर जो है वो दूध में पानी मिला के पिला रहे हैं हम। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है, तो उसने एक और नौकर बोला इन दोनों पे निगरानी रखो। अब 3 नौकर हो गए तो तीनों 1.25 लीटर दूध पीते थे, मालिक को 1.25 लीटर दूध में पानी मिला के पिलाते थे। मालिक की तबीयत भी थोड़ी कमजोर होने लगी, थोड़ा वीक हो गया वो। फिर किसी ने कहा कि आपका स्वास्थ्य बड़ा गड़बड़ हो गया, आप तो बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, ये नौकर आपके बड़ा गड़बड़ कर रहा है। उसने बोला अच्छा ऐसा हो रहा है क्या। तो उसने एक और नौकर रखा, बोला इन तीनों पे निगरानी रखो कि ऐसा ना हो। अब जब 4 नौकर रख लिए तो दूध तो 1 ही लीटर था, थोड़े दिन ठीक मिला, फिर 4 नौकर मिल गए और दूध पीने लग गए। अब मालिक को क्या पिलाए, तो वो क्या करते थे कि जब मालिक सो जाता था तो जो दूध पे थोड़ी मलाई जमती है ना ऊपर, वो मलाई लेके मालिक की मूंछ पे लगा देते थे। सुबह मालिक उठ के कहते कि बड़ी भूख लग रही है, तुम लोगों ने रात को दूध नहीं पिलाया। तो कहते नहीं नहीं मालिक पिलाया, आपका हाजमा खराब है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता क्यों कैसे, और फिर वो मालिक को आईना दिखा, कहते ये देखिए साहब अभी भी प्रूफ है। कौन सा प्रूफ है, आपके मूंछ पे देखिए मलाई जमी हुई है। तो अब मुझे बताइए दोस्तों कि ये कहानी है या हकीकत। हकीकत है। तो इसमें मालिक कौन है और नौकर कौन है, हाँ आप बताइए। इसमें मालिक जो है जनता है और नौकर जो है वो सरकार है। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, आप लोगों ने भी ये बात पहचान ली थी।